स्टारप्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और अरमान चाहते हुए भी एक नहीं हो पा रहे हैं। दादी सा का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें हार्ट अटैक आया है और वो पहुंच गई है हॉस्पिटल। और दादी सा को हॉस्पिटल में देखकर हर कोई बहुत ज्यादा घबरा गया है। पूरी पोडार फैमिली यहां पहुंच गई है और रूही भी यहीं पर मौजूद है। और यहां देखने को मिलेगा कि कैसे इस पूरी सिचुएशन का जिम्मेदार अरमान को ठहराया जाएगा। बुआ जी आकर कहेंगी कि उनकी माँ की जो हालत है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अरमान है, क्योंकि अरमान ने उन्हें ना चूज करते हुए अभीरा को चूज किया। वो अरमान को हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बुरी बुरी बातें बोलेंगी और यहाँ पर हर कोई सुनकर हैरान रह जाएगा। विद्या यहाँ पर आकर बोलेगी कि अरमान को वो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अरमान की कोई गलती नहीं है। और विद्या ये भी कहेगी कि उसके बेटे अरमान को हर कोई जब मन होता है सुनाकर चला जाता है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन फिर भी बुआ इल्जाम लगाती रहती है कि दादी सा के साथ जो भी हुआ है वो सब अरमान की वजह से हुआ है। अभीरा वहीं खड़ी होती है, रूही वहीं खड़ी होती है, जिसमें मनीषा चाची भी बोलती है कि अरमान की वजह से कुछ नहीं हुआ है। और ऐसे दो हिस्सों में परिवार वाले बट जाते हैं और लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती है। और अभीरा अरमान बस चुपचाप फैमिली को इस तरह से लड़ते हुए सुनकर काफी ज्यादा सैड होते रहते हैं। और उसके ऊपर से रूही अभीरा के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डालती है और बोलती है कि अरमान का जो आज हश्र हुआ है, अरमान की जो हालत है, अरमान पर जो इल्जाम लग रहे हैं परिवार तोड़ने के, उस सब की वजह अभीरा है। ये अरमान की नहीं अभीरा की गलती है। रूही बहुत ही इजीली अरमान और अभीरा के बीच में एक बार फिर से आने की कोशिश करती दिखेगी, क्योंकि रूही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि अरमान और अभीरा एक हो रहे हैं। और जब उसे दिखेगा कि इन दोनों को अलग करने की एक वजह दादी सा बन सकती है, तो उसमें वो और भी ज्यादा मिर्च मसाला और आग लगाती दिखेगी, ताकि अभीरा और अरमान का एक होना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए।